बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। तो चलिए ओपन करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का नेम क्या है? सेल साइकिल। तो इसके हम एमसीक्यूज ओपन करते हैं। तो ये देखिए ओपन कर लिए हैं एमसीक्यूज। तो यहाँ पर पहला एमसीक्यूज है, द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन इज टर्म्ड एज। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, इंटरफेस। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेज ऑफ माइटोसिस इज इजेंशली द अपोजिट ऑफ प्रोफेज इन टर्म्स न्यूक्लियर चेंज। तो इसका आंसर है टीलोफेज, ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पर है थर्ड एमसीक्यूज, व्हेन डू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर है B, ओनली इन मियोसिस 1। इसके बाद है 4, द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। तो इसका है ऑप्शन नंबर D, सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इज, इसका ऑप्शन नंबर D है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मियोसिस प्रोड्यूसेस, इसका है आंसर ऑप्शन नंबर A, सेल विद ओनली 1 होमोलोगियो ऑफ ईच क्रोमोसोम पेयर। इसके बाद है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेस बिकॉज। इसका ऑप्शन नंबर D है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर अप अंटिल डिवीजन स्टार्ट्स। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, इसका आपने लगाना है ऑप्शन नंबर C, मेटाफेस। व्हेन डू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, तो इसका आंसर है B, ओनली इन मियोसिस 1। लास्ट एमसीक्यूज है, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल द सेल स्टॉप्स डिवाइडिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, G0 फेज। ठीक है, तो चलो अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लें, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी इनका हमने अब डिफरेंस बताना है। पहला है माइटोसिस एंड मियोसिस, इन दोनों का डिफरेंस बताना है और बेसिकली आपने इसको शॉर्ट करके बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखें पेज नंबर 74 पे है इसका आंसर। यहाँ पर आप नीचे आएँ तो ये देखिए इनका डिफरेंस है। ठीक है, इनमें से आपने कोई भी छोटे छोटे देख लें, तकरीबन आप 4 ले लें तो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 ले लें। तो ये पहला आप कर लें, टेक प्लेस इन सोमेटिक सेल्स, इट टेक्स प्लेस इन जर्म लाइन्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। और नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 डिवीजन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स, ये वाला कर लें। इसके बाद ये देखिए 4th है, सेंट्रोमेयर डिवाइड्स एट मेटाफेज एंड सेंट्रोमेयर डज नॉट डिवाइड एट मेटाफेज 1। इसके बाद आप लोग कर लें, 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इसके बाद ये कर लें, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कॉन्स्टेंट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ इन मियोसिस। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस है, इनमें से आप कोई भी 4 कर लें काफ़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी है, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताना है। तो जी ये है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस, द जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ द पैकेज्ड डीएनए इन द सेल। क्रोमोसोम अपीयर एट द मेटाफेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ द अनरेवल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA for the purpose of packaging into the nucleus. Chromosome consists of the highest condensed structure of the DNA double helix for the proper separation of the genetic material between daughter cells. ठीक है, तो ये इसका है डिफरेंस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। नेक्स्ट है क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स, अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। देखिए ये है डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स के दरमियान। क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। अ क्रोमेटिड इज एन आइडेंटिकल हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। आफ्टर डुप्लीकेशन ऑफ अ क्रोमोसोम टू आइडेंटिकल हाफ्स आर फॉर्म्ड, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट है क्रोमोसोम अपीयर्स एट अ मेटाफेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। क्रोमेटिड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द इंटरफेज एंड एग्जिस्ट अंटिल द मेटाफेज ऑफ द सेल साइकिल। एक और पॉइंट कर लें ताकि आंसर कंप्लीट हो जाए। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स फॉर द प्रॉपर सेपरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डॉटर सेल्स। क्रोमेटिड्स आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जॉइंड टुगेदर इन द सेंटर बाय अ सेंट्रोमेयर।
क्रोमेटिड्स हैव अ थिन एंड लॉन्ग फाइबरस स्ट्रक्चर. तो ये इसका आंसर है. इसका नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रोमर्स एंड सेंट्रियोल्स. ये देखिए ये इनका डिफरेंस है सेंट्रोमर्स एंड सेंट्रियोल्स का. द सेंट्रोमर इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए नॉन कोडिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम टू द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस. सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट एड इन द इन सेल डिवीजन. दे जनरली आर फाउंड क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड आर मेड अप ऑफ 9 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ईच हैव 3 ट्यूबल्स. इसका नेक्स्ट है द सेंट्रोमर इज अ स्मॉल साइज बबल सिचुएटेड इन द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. इट इज अ सिलेंड्रिकल सेल स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ अ प्रोटीन ट्यूबुलिन. सेंट्रोमर अकर्स इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स. द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल इज द हेल्प विद सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स. द नंबर ऑफ सेंट्रोमर्स इन द सेल इक्वल्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम. द सेंट्रियोल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेंडल फाइबर्स दैट सेपरेट द क्रोमोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइटोसिस. ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस है. या आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें. तो यहाँ पर अगला है ई पार्ट साइटोकाइनेसिस एंड कैरोकाइनेसिस. इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं. तो ये देखिए ये है साइटोकाइनेसिस और कैरोकाइनेसिस में डिफरेंस. न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स. द प्रोसेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. ये इसकी डेफिनेशन है. कैरोकाइनेसिस इज द पार्टीशन ऑफ द पेरेंट सेल्स न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर न्यूक्लाय. दीज टू डॉटर न्यूक्लाय आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. इन साइटोकाइनेसिस मेटाफेज इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस. इन कैरोकाइनेसिस मेटाफेज इज द इनिशियल स्टेप ऑफ द प्रोसेस. Next is the cytoplasm along with the cell membrane and organelles of the parent cell is distributed in the two daughter cells equally. The nucleus is divided into two genetically identical nuclei. Cytokinesis depends on karyokinesis. Karyokinesis is not dependent on cytokinesis. It can take place in the absence of cytokinesis as well. ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंशिएट है. इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें. तो जी अगला पार्ट है यहाँ पर F सेंट्रोमेर्स एंड काइनेटोकोर्स. अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं. तो ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस है सेंट्रोमेर्स एंड काइनेटोकोर्स का. द सेंट्रोमेर इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए नॉन कोडिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम टू द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस. द काइनेटोकोर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच कनेक्ट द क्रोमोसोम विद द स्पेंडल माइक्रोट्यूबल्स. स्पेंडल माइक्रोट्यूबल्स आर अटैच विद काइनेटोकोर विच इज रिसेम्बल्ड ऑन द सेंट्रोमेर. नेक्स्ट है the centromere is a small size bubble situated in the primary constriction. Kinetochore is a disc shaped protein complex found in the centromere region of the chromosome. Centromere occurs in all the eukaryotic cells. Kinetochores that are associated with centromeres have the ability to bind microtubules. The number of centromeres in the cell equals the number of chromosomes. The number of bound microtubules to a kinetochore varies with the species. तो ये इन दोनों का डिफरेंस है. इससे भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट कर लें. तो यहाँ पर जी पार्ट है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. इनका आप डिफरेंस करते हैं. तो ये देखिए ये है इन दोनों का डिफरेंस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का. हैप्लॉइड सेल्स कंटेन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. डिप्लॉइड एज द नेम इंडिकेट्स कंटेन्स टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम 2n. In the higher organisms, such as humans, haploid cells are only used for sex cells. In the higher organism, such as humans, all other cells besides sex cells are diploid. Examples of haploid cells are gametes, male or female germ cells. Examples of diploid cells include blood cells, skin cells, and mucus cells. These cells are known as somatic cells. So, ye hai in dono ka difference. ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें. तो पहले क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग माइटोसिस एंड मियोसिस. इसका देखते हैं. तो जी इसका डिफरेंस पेज नंबर 74 में ही है. यहाँ बुक से ही कर लें तो इनमें से आपको इसे 5 या 6 कर लें तो आंसर हो जाएगा. ठीक है, जो आपको ईजी लगते हैं इनमें से कोई से 5 या 6 आप कर लें, आपकी मर्जी है. नेक्स्ट पार्ट है इसका माइटोसिस इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल. इसका आंसर आपको पेज नंबर 71 पे मिलेगा. ये देखिए ये इनका कंपैरिजन है, आपने ये कर लेना है. तो ये इसका आंसर कर लें आप, बी पार्ट है इसका.
इससे अगला है नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, ये भी आप बुक से कर सकते हैं, ये यहाँ पर देखिए पेज नंबर 75 पर आपको नज़र आ रहा है। इनमें से आप इनका कंपैरिजन पहले इनकी डेफिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से इसकी कर लें, ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक पहला पॉइंट तो आप डेफिनेशन कर लें, यहाँ से आप अपोप्टोसिस में ये कर लें, ये देखें ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ से मैनी सेल से लेकर इस कार्ड एपोप्टोसिस से, और इनकी एग्जाम्पल आप कर लें। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम्पल और डेफिनेशन लेके भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखें ये है नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस। द डेथ ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ड्यू टू डिजीज, इंजरी और फेलियर ऑफ द ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस द प्रोग्राम सेल डेथ। इसके अलावा इट इज़ अ प्री मेजर एंड एक्सीडेंटल डेथ ऑफ द सेल, नेक्रोसिस कॉजेज सुअर सेल स्वेलिंग, सेल रप्चर एंड ब्रेक डाउन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। द सेल इन मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल हैव जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ ग्रोथ, डिवेलपमेंट, प्रोडक्शन एंड इवन डेथ। When the cell swells and bursts, it releases its toxins which can damage neighboring cells and cause inflammation. Many cells proceed to self-destruction when they complete a prescribed function. Untreated necrosis can lead to serious injury or even death. The cells undergo apoptosis show cell shrinkage and chromatin condensation. Example is ki, if blood flow is not restored until one hour later, however necrosis will occur and many heart cells will die. और इसका एग्जांपल है ब्लब्स आर इरेगुलर बर्ड्स ऑन सेल सरफेस दैट फॉर्म एपोप्टोटिक बॉडीज, फैगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज टेक्स प्लेस बाय वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये इसका आप इस तरह से कर लें डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको वो मुश्किल लगते हैं तो आप यहाँ से देखें, छोटे छोटे इनमें से भी आपको 4-5 कर लें तो आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। देखिए इस तरह से कर लें, कोई भी 4-5 कर लें, यहाँ से आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर नोट कर लें। काफ़ी सारे यहाँ पर देखिए डिफरेंस दिए गए हैं एंड तक, ये देखें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ से भी जो आपको इजी लगते हैं ना, 4-5 को ही आप कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर डी पार्ट है मियोसिस टू एंड माइटोसिस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो ये देखिए ये है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मियोसिस टू और माइटोसिस का। तो पहला इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, इट टेक्स प्लेस इन जर्म लाइन सेल्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, इट इज सब डिवाइडेड इंटू 4 डिवीजंस, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजंस इन प्रोफेज टू न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर्स एंड क्रोमेटिन कंडेंसेस सेंट्रियोल्स मूव टू द पोलर रीजन्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1। इन मेटाफेज 2 क्रोमोजोम अटैच विद काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ सेल, सेंट्रोमीटर डज नॉट डिवाइड एट मेटाफेज 1, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम अलाइन एट मेटाफेज प्ले ड्यूरिंग मेटाफेज 1। इन एनाफेज 2 वेयर क्रोमोजोम्स आर क्लीव एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट, होमोलोगस क्रोमोजोम विद 2 सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ड्यूरिंग एनाफेज 1। इसके बाद द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ सिस्टर क्रोमोजोम्स एंड दे आर पुल्ड टूवर्ड अपोजिंग पोल्स, 4 हिप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म, द डॉटर सेल्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच एंड टू द पेरेंट सेल, टेलोफेज 2 इज मार्क with uncoiling of chromosomes into chromatin, the number of chromosomes become half in meiosis. इसके बाद है nuclear envelope reform cleavage or cell wall formation, eventually procedure produces a total of 4 daughter cells each with a haploid set of chromosome, meiotic product cannot undergo further division. तो ये देखें इसका difference है, आप यहाँ से भी ज़्यादा ना करें, कम कर लें, बेशक आप 5 कर लें इनमें से कोई भी, इसका स्क्रीनशॉट लेके ना इसको नोट कर लें। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के भी तमाम पार्ट कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बाकी पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और अगले भी, यहाँ पर ये देखें 6, 7 है और लॉन्ग को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।